तो फर्स्ट अप्रोच, टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच, एक्सपोनेंट लियो स्ट्रॉस. द सेंट्रल आइडिया इज दैट वी शुड गिव द मीनिंग्स एज इट इज, नॉट एडिंग एनीथिंग एल्स फ्रॉम आवर साइट. इस कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल समझा जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कभी कॉन्स्टिट्यूशन का लिटरल इंटरप्रिटेशन करता है और कभी लिबरल इंटरप्रिटेशन. तो जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है उसे आप टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच कह सकते हैं. और इसका फायदा यह है कि टेक्स्ट की ओरिजिनल मीनिंग को खोजने की कोशिश की जाती है. पर टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच एक कठिन अप्रोच है, क्योंकि ये वही अप्लाई कर सकता है जिसको पॉलिटिकल फिलॉसफी की काफी अच्छी जानकारी हो.